गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन क्या 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 असर पड़ा है? पॉजिटिव इम्पैक्ट कलर्ड बाय द ग्रीन वन एंड नेगेटिव इज बाय द रेड वन। सो इन द लास्ट 15 ईयर और से द लास्ट 13 ईयर फ्रॉम द 1991 ऑनवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज़ कम इन अ लॉन्ग वे। व्हाट हैज़ बीन द इफेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल? क्या असर पड़ा है लोगों की जिंदगी पे? आप कैसे देखोगे ग्लोबलाइजेशन का असर? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने से, जो अभी हुई नहीं है, ग्रोथ रेट बढ़ने से, लोगों की लाइफ से, वी विल लुक एट सम ऑफ द एविडेंस। कुछ एक अचीवमेंट हम देखने की कोशिश करेंगे थ्रू योर बुक्स, कुछ आउटसाइड द बुक जैसा हमें कुछ एम्पिरिकल एविडेंस मिल रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड द ग्रेटर कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि जब आउटसाइडर आएंगे आपके देश के अंदर, लिबरलाइजेशन की प्रोसेस करने के बाद, ट्रेड बैरियर को ख़त्म करने के बाद, ये जो प्रोसेस होगी ये कंपटीशन होगा। कंपटीशन में अल्टीमेटली आपको फ़ायदा होगा, बोथ द लोकल एंड द लोकल फॉरेन प्रोड्यूसर। ठीक है, एक ज़माने में भारत में कोई कोल्ड ड्रिंक होती थी तो कोको कोला आया तो उसका नाम कुछ और था, कैंपा कोला, तो कैंपा कोला को कोको कोला ने खरीद के सब गायब कर दिया और मार्केट से कैंपा गायब हो गया, कोको कोला ही है। ऐसे बहुत सारे लोकल मैन्युफैक्चर ख़त्म हो गए उस कंपटीशन में, नहीं टिक पाए। तो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, आपको देखने की जरूरत है। हैज़ बीन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द कंज्यूमर, लेकिन कंज्यूमर को फ़ायदा हुआ। माना कि वो देसी ब्रांड था, लोकल लोगों को रोजगार देता था, उसका पैसा देश में रहता था, लेकिन कंज्यूमर को तो सस्ता और क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे रहा था। कंज्यूमर को तो सस्ता और क्वालिटी प्रोडक्ट विदेशी दे रहा है कंपटीशन के कारण, देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीयों ने अपनी क्वालिटी नहीं बढ़ाई। एडवांटेज तो ये रहा है कि लिखा है कि अर्बन वेलॉप, पर्टिकुलरली द वेलॉप सेक्शन, वेलॉप मैंने ठीक ठाक खाते पीते जैसे आप और हम हैं, इन द अर्बन एरिया, शहरी एरियाज में वेलॉप सेक्शन को बड़ा फायदा हुआ। देर इज अ ग्रेटर चॉइस बिफोर दिस द कंज्यूमर, इनके पास ज़्यादा चॉइसेस थी, हु नाउ इन्जॉय द इम्प्रूव क्वालिटी एंड द लोअर प्राइसेज ऑफ द सर्वल प्रोडक्ट्स। सस्ती कीमत पे एसी आने लगा, सस्ती कीमत पे फोर व्हीलर आने लगी, सस्ती कीमत पे मोबाइल फ़ोन आने लगा। तो लोग जो ये अर्बन वेल ऑफ सेक्शन कंज्यूमर था, इसको बड़ा फायदा आया। एज ए रिजल्ट दीज पीपल टूडे इन्जॉय द मच हायर स्टैंड ऑफ द लिविंग दैन वॉज पॉसिबल अर्लियर। पहले की तुलना में ये लोग ज़्यादा इन्जॉय करने लगे, कजारिया की टाइल्स लगाने लगे, बड़े बड़े ब्रांड्स यूज करने लगे। ठीक है, तो वेल ऑफ सेक्शन को बड़ा एडवांटेज हुआ, लेकिन अमॉन्ग द प्रोड्यूसर एंड द वर्कर द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म। लेकिन इसका असर यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं है, किसके बीच में? प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करने वाले हैं वर्कर, पर्टिकुलरली द स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर थे, जो गांव में छोटी छोटी अपनी हाथ से काम करते थे, कॉटेज इंडस्ट्री थे, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो मार्केट से गायब हो गए। जैसे अलीगढ़ के ताले वाले आपके गायब हो गए, रामपुर के छुरे वाले आपके गायब हो गए, ऐसे ही कहीं मुरादाबाद के बर्तन बनाने वाले ग्लोब, वो सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि अब चाइना से आपके पास बोन, चाइना के आपके पास अब जो चाइनीज़ क्ले है उसके बर्तन आने लगे। वो बहुत स्मार्ट थे, बहुत स्मूथ थे, अच्छी क्वालिटी थी, अट्रैक्टिव थे, अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट था और सस्ते भी थे। तो क्या हुआ कि जो प्रोड्यूसर है, जो वर्कर है, उसके लिए बहुत बुरा असर पड़ा। हम देखते हैं, फर्स्टली MNCs हैज़ इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जो MNCs है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, पता है ना आपको, ग्लोबलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट एजेंट्स है, उन्होंने 15 सालों में या पिछले 25 सालों में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है लास्ट वीडियोज़ में, विच मीन्स इन्वेस्टिंग इन द इंडिया हैज़ बीन बेनिफिशियल दम, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ रेट 8-9% बढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि अगर हम 100 रुपीज़ लगाएंगे तो 9% के हिसाब से भी बढ़ेगा। इंडिया इज़ एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज दिखा कि इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। MNCs हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रीज जैसे कि सेलफोन, ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, भारत का सेलफोन कंपनी कौन है घरेलू, बताइएगा, सोच के बताइएगा आप। कार्बन है या मैक्स, माइक्रोमैक्स है बचा हुआ, उसके भी पार्ट बाहर से आते होंगे। ऑटोमोबाइल्स देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, आप जो भी हैं, आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं? आपको सोनी पसंद है इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपको निकन पसंद है, आपको एप्पल पसंद है, कि आपको देसी ब्रांड है? सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और पेप्सी दोनों फॉरेन ब्रांड्स हैं। फास्ट फूड और द सब KFC हो, चाहे जो भी हो, पिजेरिया है नानकता में आपका। सर्विसेज सच एज द बैंकिंग इन द अर्बन एरिया, शहरों में ये सारी चीज़ें, बड़े बड़े बैंक, इंटरनेशनल बैंक्स आने लगे आपके। दीज प्रोडक्ट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ द वेल ऑफ बायर, और इनको खरीदने वाले अच्छा कमाने वाले वेल ऑफ बायर थे। इन दीज इंडस्ट्री एंड द सर्विसेज न्यू जॉब्स हैज बीन क्रिएटेड, बहुत सारे नए जॉब IT इंडस्ट्रीज में, हमने बात करी थी जब हम सेक्टोरियल अप्रोच ऑफ इकोनॉमी देख रहे थे, व्हाइट कॉलर नए जॉब आए, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, डेटा एंट्रीज में लोकल कंपनीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए जो लोकल कंपनीज थी उनका काम भी बड़ा, ऐसा नहीं है, और इंडस्ट्री बहुत प्रॉस्पेक्ट हुई। ये दो पिक्चर सब कुछ आपको कर रहे हैं, पहला ग्रीन है, फाइनली द ग्लोबल लाइफ स्टाइल यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट। ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट आए, रोड में होर्डिंग लगाए कि अब ग्लोबल लाइफ स्टाइल, अगर आप यहाँ से शहरों की तरफ चले जाइए तो आपको बड़े बड़े 10-10 मंजिले, अब 20-20 मंजिले टावर दिखते हैं। उनके एडवर्टाइजमेंट होते हैं कि इसमें ये टाइल लगी हुई है, इसमें स्विमिंग पूल है,
ये बात अलग है, उसमें मैं काम कर रहा मजदूर आजकल रोड पे है, और दूसरा मज़ेदार बात है कि उसमें स्विमिंग पूल है लेकिन उस पूरे इलाके में किसानों के पास पानी नहीं है, मज़दूरों के पास पानी नहीं है, वो सूखे में है, और उनके पास हर बालकोनी में वाटर का स्पेशल एक स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो ये है कि हमने ग्लोबल लाइफ स्टाइल वैश्विक ज़िंदगी हमने पा ली है जिसके बारे में हमारा सपना था, ये देखिए। और दूसरी तरफ ये दिखाया गया है, और ये देखिए एक मज़दूर दिख रहा है साइकिल में जाता हुआ, आपकी बुक में ज़्यादा दिखेगा शायद, हमारे टैब में आपको दिखने पा रहा हूँ। ये कुछ कुछ वैसी सिचुएशन है जैसे आजकल साइकिल में मज़दूर जा रहे हैं 2000 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, तो इसके लिए कौन सी ग्लोबल लाइफ स्टाइल है, इसका कौन सा सपना था। तो आप देख सकते हैं ये पिक्चर सब कुछ कह रही है, हम कुछ नहीं कह रहे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट है। सेकेंडली, सब ऑफ द टॉप, इसका और क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनीज थी उनको बहुत फ़ायदा हुआ कंपटीशन का, उन्होंने क्या किया, न्यूअर टेक्नोलॉजी मिली उनको, उन्होंने प्रोडक्शन मेथड्स को बढ़ाए, दूसरी कंपनी से बजाज ने जैसे कावासाकी से कांटेक्ट किया, होंडा के साथ हीरो ने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने अपने मेथड बनाए, दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट को बेचा, प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड बढ़ाया, सम हैव गेन सच सक्सेसफुल कोलैबोरेशंस विद द फॉरेन कंपनी, जो मैंने बताया कि फॉरेन कंपनीज, मारुति सुजुकी, मारुति पब्लिक सेक्टर यूनिट हुआ करता था, सरकार बेसिकली वो पब्लिक सेक्टर नहीं, आप जॉइंट वेंचर बोल सकते हैं, सरकार की भागीदारी थी राजीव गांधी के समय में, उसके बाद आज वो फिर जापान की कंपनी सुजुकी आई, अब तो पूरा का पूरा विदेशी हो गया है। तो इस तरह के कोलैबोरेशंस किए गए, ये एक सक्सेसफुल कहानी भी थी। मोर ओवर, ग्लोबलाइजेशन हैज इनेबल द लार्ज इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एज द मल्टीनेशनल देमसेल्फ, और भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको मल्टीनेशनल बनाने में भी ग्लोबलाइजेशन ने मदद किया, जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स ने जगुआर जाके लैंड रोवर जैसी गाड़ियां खरीद ली, इन्फोसिस या ब्रांड खरीद ली इंग्लैंड के, इन्फोसिस है, इन्फोसिस के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी नारायण मूर्ति का ग्रुप है, रैनबैक्सी एक मेडिसिन में बहुत बड़ा नाम है, शायद बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिकन ने ले लिया, इसका एशियन पेंट्स है, सुंदरम फैस्टनर्स करके नट्स एंड बोल्ट्स है, तो ये सारी कंपनीज हैं, इन्होंने वर्ल्ड वाइड ऑपरेट किया, इन्हें एडवांटेज उठाया। ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज, जिसके बहुत सारे अच्छे अवसर मिले फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, पर्टिकुलरली दोज इन द आईटी में जो थे, इंडियन कंपनीज प्रोड्यूसिंग ए मैगजीन फॉर द लंदन, याद है आपको, जो बना रही थी, इसके अलावा डाटा एंट्री, अकाउंटेंट, ऐसे बहुत सारे जॉब, इंजीनियरिंग और ऐसे बहुत सारे नए जॉब आए, ये बड़ा फायदा हुआ। लेकिन एक और चीज़ देखते हैं, सरकार ने क्या किया इस ग्लोबलाइजेशन में के लिए, क्या किया इसको इंटेंस करने के लिए, ग्लोबलाइजेशन को अट्रैक्ट करने के लिए सरकार ने क्या किए, बहुत सारे कदम उठाए, उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ग्लोबलाइजेशन का अचीवमेंट देखने की और कोशिश करते हैं, क्या दिया ग्लोबलाइजेशन ने, क्या किया कि इंडिया की इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से कनेक्ट आई, ठीक है, और अपने रिफॉर्म्स किए, नए नए रिफॉर्म्स, उनमें क्या था कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेटजी 90s में आपने की गई, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिजीम खत्म कर दी गई, स्क्रैपिंग का मतलब हटा दिया गया, पहले क्या होता था हर एक इंडस्ट्री के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, कुछ सेक्टर ऐसे रिजर्व थे जहां की प्राइवेट कंपनीज काम नहीं कर सकती थी, सिर्फ सरकार थी, क्योंकि सरकार को लगता था कि अगर प्राइवेट को यहां पे देंगे तो नेशनल सिक्योरिटी के भी खतरा है, लाइक पेट्रोलियम, ब्रिटिश जैसे भारत में भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ONGC, ये सारी सरकारी कंपनियां, क्योंकि लगता था कि तेल या फ्यूल ये एनर्जी सिक्योरिटी का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला भी है। लेकिन अब धीरे धीरे सरकार ने, अभी करंट गवर्नमेंट ने सब ये इनका अपना शेयर बेचना शुरू कर दिया है, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जिसको प्राइवेट सेक्टर में नहीं दिया था, अब इन सेक्टर्स को भी प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। अमेंडमेंट ऑफ द मोनोपोलीज एंड टू द रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि अब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, प्रतिबंध नहीं होगा, प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम किया गया देश में, ट्रैफिक रैम कम कर दिए गए, इसका फायदा ये हुआ कि जो दुनिया में यूरोप की इकोनॉमी जो 5% की ग्रोथ में थी, और 90s का दशक इंडिया का और चाइना का माना जाने लगा, और तेज़ी से ये देश तरक्की करने लगे, इम्पैक्ट ये हुआ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ इकोनॉमिकल ग्रोथ होने लगी इंडिया और चाइना की, और भारत की इकोनॉमी दुनिया की देश की इकोनॉमी से जुड़ी, तो ग्रेथ रेट आप हम देखते हैं 2005 और 6 तक, और 2006-7 तक 9% 9.4 हो गई, और सपना देखा जाने लगा जिस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, समय देखा जाने लगा कि भारत डबल डिजिट ग्रोथ अचीव कर लेगा, ऊपर तो पावर पता नहीं, और ये भी और ये माना गया कि डबल डिजिट से कुछ हो जाएगा चमत्कार सा, ओवर द पास डिकेट्स FDI फ्लोज, और भारत में FDI का फ्लो विदेश से पैसा आने लगा, अभी हम देखेंगे FDI को लेके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने लगी, और उससे क्या हुआ ग्रोथ रेट बढ़ी, तो भारत नए नए देशों का इकोनॉमिकल पार्टनर होने लगा, तो और हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा भारत की इकोनॉमी में, और इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें ये हुआ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, पोर्टफोलियो इंपैक्ट बढ़ता है, टेलीकॉम सेक्टर, इतने सारे TV चैनल्स आ गए, आपने देखा आपके इन्वेस्टर आए, एयरपोर्ट्स बने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एयरपोर्ट्स बने, रोड पोर्ट बने, अलग अलग विदेशी कंपनी इंश्योरेंस स्कीम्स में आ गई, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जैसी नए जॉब ITs के सेक्टर में आए, रिटेल और इंश्योरेंस में, बड़े बड़े ब्रांड इंडिया में आने लगे, वो इन्वेस्टमेंट करने लगे, तो ये ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जा सकता है। थैंक यू।